ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे पवित्र भाव से नेत्रों को खोल देंगे। आहार विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, इसमें गत सत्संग में आहार के समय के विषय में चर्चा चल रही थी, जिसमें प्रातः काल में उषापान विषय पर चर्चा हुई। अलग अलग दोष प्रधान व्यक्तियों को किस प्रकार से उषापान करना चाहिए, जिसे देखने का प्रयास किया गया था, जिसमें वात वाले व्यक्ति को प्रातः काल में गर्म दूध के अंदर सूंठ और गाय का घी मिलाकर के उसका सेवन करना चाहिए। पित्त वाले व्यक्ति को गाय के दूध में काली मिर्च, जिसे मरी कहते हैं, उसे डाल के पीना चाहिए। और कफ वाले व्यक्ति को गर्म दूध में हल्दी और फिर शहद मिला करके उसे पीना चाहिए। सभी दोष सम अवस्था में हैं तो ऐसी व्यक्ति को पंचामृत या मधुपर्क के रूप में सेवन करना चाहिए, या फिर इस प्रकार की व्यवस्था जो न कर सके उसे पंच धातु जरित पानी पीना चाहिए, या फिर मटके का पानी तो हर कोई व्यक्ति पी सकता है मगर जलपान अवश्य करें। और प्रातः काल में इस नियम का ध्यान रखते हैं। अब आगे दो समय जो है वो मध्याह्न काल और सायंकाल। मध्याह्न काल में समतोल आहार लेना चाहिए। मध्याह्न काल के भोजन थोड़ा भरपेट आप कर सकते हैं मगर सायंकाल का भोजन जो होता है वो हल्का फुल्का होना चाहिए। समतोल आहार के विषय में आगे जब क्रम आएगा उस समय बताने का प्रयास करेंगे कि समतोल आहार के अंतर्गत हम जब मध्याह्न काल में भोजन करने के लिए बैठे तो हमारे भोजन के पात्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मध्याह्न काल में भोजन जो होता है उसके अंत में भोजनांते पिब्रते तक्रम, भोजन के अंत में जो है ये छाछ पीने का विधान है। मध्याह्न काल के अंदर जो हम आहार करते हैं इसे भोजन कहते हैं, और सायंकाल में जो भोजन करते हैं इसे गुजराती में वालू कहते हैं और अंग्रेजी में डिनर कहते हैं, और प्रातः काल मध्याह्न काल में जो भोजन करते हैं उसे मेल कहते हैं। आपकी सिंधी भाषा में प्रातः काल और सायंकाल भोजन में क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, वो तो बराबर, मगर जिस प्रकार मध्याह्न काल को भोजन कहते हैं और सायंकाल को वालू कहते हैं, अंग्रेजी में मेल कहते हैं मध्याह्न काल को और रात के भोजन को डिनर कहते हैं, इसी प्रकार सिंधी में मध्याह्न काल को भोजन कहते हैं। हाँ जी 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 जो ठीक है, तो इस प्रकार से विशेष नामकरण किया गया है। और रात्रि के भोजन के अंत में फिर दूध पीने का विधान है कुछ अंतराल के बाद सोते समय, मगर रात को छाछ नहीं पीते। इस प्रकार तीनों समय जो है आहार का जो हमारा जो समय है वो इस प्रकार से हैं।
मगर बार बार कुछ लोग जो भोजन करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि बार बार जो व्यक्ति भोजन करता है उसको हजम होता नहीं है, उसको बदहजमी होती है। जिस प्रकार हम चावल पकाते हैं उदाहरण के रूप से, तो कुकर में पहले आपने एक मुट्ठी चावल डाल दिया, फिर तुरंत थोड़ी देर बाद फिर से कुकर खोल के और एक मुट्ठी डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी और चावल डाल दिया, तो अंदर गर्म पानी की वजह से सब पकेंगे तो सही, मगर जो पहले जो डाला था वो थोड़ा सा पका हुआ होगा, फिर बाद में जो चावल डाला वो थोड़ा अध कचरा होगा, और अंत में जो डाला वो तो पका ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब जो हम पहले आहार लेते हैं, जो हमने प्रथम भोजन किया है, वो पूर्ण रूप से जब हजम हो जाता है फिर दूसरी चीज़ हमें सेवन करनी चाहिए। तो इस प्रकार दो भोजनों के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल हमें रखना चाहिए, इस नियम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसका क्रम आएगा कि समतोल आहार किसे कहते हैं, हमारे शरीर में किन किन द्रव्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसका आगे क्रम आएगा, उसमें देखने का प्रयास करेंगे। अब अलग बिंदु पर, थोड़ा अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि भोजन हमें कब नहीं करना चाहिए, या फिर भोजन कब करना चाहिए, कैसी स्थिति में करना चाहिए। तो जब भी हमें भोजन की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता पड़े, तो नियम बताया है कि जब तक भूख न लगे तब तक तो भोजन करना नहीं है, चाहे भोजन का समय हो गया हो चाहे ना हुआ हो। मगर कुछ लोग समय पत्रक के अनुसार चलते कि इतने बजे तो भोजन करना ही करना है, उस समय चाहे भूख लगी हो या न लगी हो फिर भी व्यवस्था के दृष्टिकोण से भोजन कर ही लेना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी भोजन का विषय चल पड़े, आहार का विषय चल पड़े, तो हमें पेट के साथ बात करनी चाहिए, हमारी जठराग्नि के साथ है हमें बात करनी चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए कि वाकई में अभी मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। यदि भूख नहीं लगी होगी और भोजन कर लोगे तो उसका ठीक से पचन होगा नहीं, उस चीज़ में से जो लाभ हमें मिलने चाहिए वो मिलेगा नहीं, बल्कि उससे हानि होने की भी संभावना रहती है। भले अच्छे से अच्छे व्यंजन पदार्थ हो, मगर यदि अग्नि तेज नहीं हुआ है और उसके ऊपर आप डाल देंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हमें भोजन से पहले हमें उसकी पर चिंतन करना चाहिए कि भूख लगी है या नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा मुहावरा बनाया है कि मन में जब लगे कि खाऊं या न खाऊं, ऐसा जब संशय उत्पन्न होवे, तो उसका स्पष्ट उत्तर है कि मत खाओ। जब ऐसा द्वंद्व होवे कि मैं भी खाऊं या न खाऊं, तो उसका उत्तर है मत खाओ। और जाऊं या न जाऊं, यानी कि शौच क्रिया जाऊं या न जाऊं, जब ऐसा मन में द्वंद्व चले तो उसका उत्तर है जरूर जाओ। फिर जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, ये द्वंद्व दोनों अलग अलग प्रकार में उसका उत्तर विद्वानों ने हमें समझा दिया है। तो नहीं खाने से, जब संशयित होने पर नहीं खाने से कोई हानि पहुँचती नहीं है, मगर संशयित अवस्था में है और भोजन करते हैं तो उससे भी इतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। आयुर्वेद में उपवास की परिभाषा की गई है कि उपवास किसे कहते हैं, तो अधिकतर लोगों की मान्यता ऐसी है कि उपवास के दिन हमें कुछ भी खाना नहीं है, या फिर उपवास के दिन हमें कुछ फराड़ी आइटम ही खानी है और दूसरी चीज़ें नहीं खानी है,
ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत के दिन ही बोले आज तो मेरा उपवास है, जबकि उसका परीक्षण किया जाए तो अन्य दिनों से ज़्यादा तो उसी दिन वो व्यक्ति अधिक खाता है। एकादशी में एकादश रस का वो पान कर लेता है, अलग अलग ऐसे ऐसी वस्तुएं बनाता है। फराड़ के नाम पे फराड़ी भी बहुत सारी आइटम होती है और वो सारी आइटमों का पूरे दिन वो व्यक्ति महफिल करता रहता है। और कल एकादशी है ना, तो आज मन में उसको वही बना रहता है कि कल तो खाना है नहीं, खाना नहीं है कि दबाव में वो सबसे अधिक खा लेता है फराली आइटम। और अगले दिन भी बोले कल नहीं खाना है, कल उपवास है, तो अगले दिन भी दबा दबा करके खा लेता है कि बोले तो कल तो भूखा रहना है। तो इसे कोई उपवास कहते नहीं है। उपवास की परिभाषा के अंतर्गत हमें समझाया कि जो व्यक्ति भूख लगने पर ही खाता है और भूख नहीं लगने पर चाहे कैसे भी पदार्थ उत्तम उत्तम हो फिर भी वो नहीं खाता और इस नियम का जो सदा पालन करता है वो हमेशा के लिए वो व्यक्ति उपवासी है। छोटे बच्चों को, गर्भस्थ महिलाओं को और वृद्धों को तो बिल्कुल भूखा रहने की मनाही है। और ये जो बीच बीच में जो भोजन छोड़ देने का जो विधान है कि हफ्ते में एक बार भोजन नहीं करना चाहिए, उसको लंघन कहते हैं। यानी कि भोजन को छोड़ दिया हो, मतलब भोजन करना ही नहीं है, फिर कोई भी फराली चीज़ हो या कोई भी हो मगर नहीं करना है। तो इस प्रकार आयुर्वेद में उपवास की परिभाषा की गई है। और उसको कुछ लोगों ने धर्म के साथ जोड़ करके फिर उसको उसमें छुटछाट भी ले ली कि फराली आइटम तो आप खा सकते हैं। तो आलू की ऐसी सारी चीज़ें बना बना करके उसी दिन बहुत लोग खा जाते हैं, इसको उपवास कहते नहीं। फिर आहार कब नहीं करना चाहिए, उस विषय में बताया कि जब भय, शोक, चिंता, उचाट और क्रोधावस्था हो, ऐसी स्थिति में हमें कभी भी भोजन करना चाहिए नहीं। शरीर में, मन में भय हो, टेंशन बना हुआ हो, उचाट हो, शोकमग्न हमारा मन हो या फिर हमारी क्रोधावस्था हो, उस अवसर पर, ऐसे समय में, ऐसी शारीरिक मानसिक स्थिति पर हमें कभी भी भोजन करना चाहिए नहीं। यदि उस समय आपने भोजन कर लिया तो वो शरीर को अवश्य हानि पहुंचाता है, क्योंकि वो उस ऐसे काल में किया हुआ भोजन जो है वो शरीर में ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है, उसमें से कोई भी प्रक्रिया पचन की होती नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस विषय में प्रयोग किया कि क्या ऐसी अवस्था में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो विदेश का एक बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक है जिसका नाम है पावलोव, उसने इस विषय में कुत्ते और बिल्लियों पर बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें एक बिल्ली को भूखी रखी गई और भूखी एक दिन भूखा रखने के पश्चात उसके सामने भोजन रखा गया तो भूख के कारण उसको जठराग्नि तो तेज हो चुकी थी, तो उसने आहार को ग्रहण किया और जैसे ही उसने भोजन कर लिया तुरंत ही उसके सामने एक कुत्ता खड़ा कर दिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि बिल्ली जो है वो कुत्ते से डरती रहती है, तो जैसे ही कुत्ते का डर उसके मन में बैठा और वैज्ञानिक जो विभिन्न जो साधन आते हैं उससे उसका शरीर की आंतरिक क्रिया को मशीनरी के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से परीक्षण भी होता रहता था। तो जैसे ही कुत्ता सामने खड़ा कर दिया, बिल्ली में जो भय पैदा हो गया उसी के कारण उसके शरीर में
भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलने चाहिए वो निकले नहीं और भोजन वैसा का वैसा शरीर में पड़ा रहा। फिर जब कुत्ते को हटा दिया गया तो उसके बाद बिल्ली की स्थिति जब नॉर्मल हुई, उस समय जब भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकले, मगर उस समय भोजन जो है वो ठंडा पड़ चुका था, यानी कि उस स्थिति में नहीं रहा था कि पाचक रस से उसके साथ प्रक्रिया होने पर अच्छा रस कस प्रोटीन विटामिन इत्यादि जो शरीर में जो गुण प्राप्त होने चाहिए पचन के बाद, ऐसी स्थिति में वो भोजन रहा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ऐसी स्थिति में हम यदि भोजन करते हैं तो उससे हमें कोई भी लाभ होता नहीं है, जबकि उस समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि भोजन न करें और मन को शांत करने का प्रयास करें। और इसीलिए ही भोजन के समय जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विधान बताया कि जब भी भोजन करने के लिए बैठो तो अच्छे से हाथ पैर इत्यादि धो कर के आसन लगा कर के भोजन के आसन पर बैठ कर के सबसे पहले हम प्रभु का स्मरण करें। भोजन से पहले मंत्र पाठ का विधान है कि नहीं है? ने ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहनमिवस्य सुष्मिणे प्रप्रदातारं तारिशौर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। तो ये जो मंत्र पाठ का जो विधान है उससे क्या ईश्वर को फायदा होता है या हमें फायदा होता है? मंत्र पाठ करेंगे तो हमें ही फायदा होता है। हमारा जो शरीर जो है, मंत्र पाठ के दरमियान जब हम ईश्वर प्राण बन जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन जिन लोगों ने हमारे तक अन्न पहुंचाने में सहयोग किया है उन सब का हम धन्यवाद और ईश्वर का धन्यवाद मानते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो निर्मल पावन और पवित्र हो जाता है, मन में शांति हो जाती है, हमारा शरीर जो है ये भोजन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल मन को शांत करके जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो शरीर में अच्छा बल उत्पन्न करता है। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र पाठ का विधान बताया है वो इसी दृष्टिकोण से इससे हमें लाभ पहुंचता है। मगर कुछ लोग जो होते हैं मंत्र पाठ आदि तो कुछ करते नहीं, जैसे हाथ धो करके बहुत बहुत तो बैठ जाते हैं और फिर सामने टीवी भी चलता रहता है, जबकि विधान क्या है? मौन रह करके भोजन करना चाहिए। यदि आपका बातचीत का समय हो तो फिर बातचीत ही कर लो, फिर भोजन करने क्यों बैठते हो? जो भी बातें हैं, जो भी फोन पे चर्चाएं करनी है पहले निपटा लो, मगर भोजन के समय फोन की चाहे कितनी भी घंटी बजे हमें उस और फिर ध्यान देना नहीं है। ये भोजन का समय जो है वो हमारा निजी समय है, इसमें किसी के भी दखल अंदाजी चाहिए नहीं। जिसका भी फोन है उसको हम बाद में उत्तर दे देंगे, भोजन हमारा समापन होने के बाद भी हम बातचीत कर सकते हैं, मगर भोजन के दरमियान बातचीत करनी चाहिए नहीं। मौन रह करके भोजन करें। टीवी को कुछ लोग देखते रहते हैं, वैज्ञानिकों ने उस पर भी देखा कि जो व्यक्ति टीवी देख करके भोजन करता है वो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेता है, उसका भोजन पर नियंत्रण रहता नहीं है, उसको भोजन में वो क्या भोजन कर रहा है उसका जो स्वाद जो है उसका भी उसको अच्छे से पता चलता नहीं है। केवल पेट भर रहा है मगर उसको भोजन के साथ फिर कोई लेना देना रहता नहीं है। ऐसी स्थिति में भी यदि हम भोजन करते हैं तो आवश्यकता से अधिक भोजन पेट में चले जाने पर व्यक्ति के शरीर में स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। तो टीवी देख करके भी हमें भोजन नहीं करना है। तो इस प्रकार हमें
भोजन ऐसी स्थितियों में नहीं करना चाहिए, और ऐसी विपरीत स्थिति हो तो उसमें हमें सुधार करके मन को शांत करके फिर हमें भोजन करना चाहिए। तो भोजन कब करना चाहिए, तो जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व हमें हमारे शरीर से, जठराग्नि से, पेट से बात करनी चाहिए, और लगे कि अभी वाकई में भूख लगी है उसी समय ही हमें भोजन करना चाहिए। और हमें भय, शोक, चिंता, उचाट और क्रोधावस्था की स्थिति में कभी भी भोजन करना चाहिए नहीं। जब भी भोजन करें शांत पवित्र स्थान पर बैठ करके हम भोजन करें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए भोजन करें। भोजन के दरमियान मौन रहे, टीवी इत्यादि को न देखें। इस नियमों का ध्यान करते हुए हमें भोजन करना चाहिए। समय हो चुका है। अगली कड़ी में हम जो आहार करते हैं, आहार के कितने प्रकार हैं, और इस प्रकार के आहार को करने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपका दिया हुआ ये जो तन है वो आपके बताए हुए नियम अनुसार उसमें आहार विहार दिनचर्या का पालन करते हुए इस शरीर को बलवान बनाते हुए प्रभु हम आपके बताए हुए शुभ कर्मों को करके हम आपकी कृपा को प्राप्त कर सकें, ऐसा सामर्थ्य ऐसा ज्ञान विज्ञान प्रभु हमें प्रदान करें। परमात्मा का निज नाम ओम का सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम वैदिक मंगल ध्वनि ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते।